बुलबुलाहट इन लोगों की ये है कि देश का इतना सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर इतने कम समय में बनकर तैयार हो गया, ये इनकी कुलबुलाहट का विषय है। कल जब हम लोगों ने इस देश की महामहिम के लिए, इस देश के आदिवासी समाज की एक महिला को हमने जब खड़ा किया तो यही लोग विरोध करने वाले हैं। एक वोट इन लोगों ने नहीं दिया था, उस समय उनका अपमान नहीं हुआ था क्या? तो अब आगे क्या होगा? आगे तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उद्घाटन, दुनिया देखेगी 56 इंची सीना का। बीजेपी ने आज विधानसभा के अंदर और बाहर अपनी ताकत दिखाई, नीतीश कुमार को जो तस्वीरें दिखाई है, एक्सपोज करने की बात किया जा रहा है, लेकिन जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ये विधानसभा का जो भवन है वो विस्तारित भवन है, वो संसद नहीं है, फिर बवाल क्यों? देखिए, जिस नए भवन का वहाँ उद्घाटन होने जा रहा है वह भी विस्तारित है, वो पुराना बिल्डिंग यथावत है, जैसे यहाँ यथावत है, इसका विस्तार हुआ है, वैसे ही देश के अंदर संसद भवन का विस्तार हो रहा है। देखिए, इनकी कुलबुलाहट उसमें नहीं है, कुलबुलाहट इन लोगों की ये है कि देश का इतना सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर इतने कम समय में बनकर तैयार हो गया, ये इनकी कुलबुलाहट का विषय है। और पूरे देश के सारे बड़े बड़े ऑफिसेज जो किराए पर दिल्ली के अंदर चलते थे, जो कांग्रेसी लोग अपने अपनी बिल्डिंगों में किराया दे करके करोड़ों करोड़ों महीने डकार रहे थे, वो बंद होने जा रहा है। इसी पूरी बिल्डिंग में सारी ऑफिसें शिफ्ट की जा रही हैं, ये इनके कुलबुलाहट का असली विषय है। ये कह रहे हैं कि उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जाए, आखिर राष्ट्रपति? अरे भाई, अब प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया जाए ये तो पहले बताइए, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं करें ये तो बताइए। अरे, ये राष्ट्रपति के बड़े हितैषी बने हैं। कल जब हम लोगों ने इस देश की महामहिम के लिए, इस देश के आदिवासी समाज की एक महिला को हमने जब खड़ा किया तो यही लोग विरोध करने वाले हैं। एक वोट इन लोगों ने नहीं दिया था, उस समय उनका अपमान नहीं हुआ था क्या? तो अब आगे क्या होगा? आगे तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उद्घाटन, दुनिया देखेगी 56 इंची सीना का असर, और बोली बदल जाता है। ये आईना हम लोगों ने आज दिखाया है कि आपने क्या किया था, आज आप क्या मांग कर रहे हैं। जरा सड़कों पर तो जाके देखिए, जरा गांव के अंदर जाके देखिए, एक एक व्यक्ति भगवान की तरफ पूज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जीवन दिया है किसी व्यक्ति ने तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। वैक्सीन देकर के करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाया, मुफ्त अनाज पहुंचा करके लोगों की जान बचाया, ऐसे इस देश के प्रधानमंत्री को जरा गाँव के अंदर जाके देखिए। बूढ़ी माएँ पूजा करती हैं भगवान की तरह। एक बार 19 सीटें ये इसलिए जीत गए कि हमने इनको दिया था। आज जरा जीत के दिखाएं, कर्नाटक अलग अलग परिस्थितियां रहती है, हर राज्य के अलग अलग। बजरंगबली के नाम पे जी नहीं, 24 में तो और बड़ा गधा जी नहीं। इस देश के अंदर लोकसभा के चुनाव का पूरा रिजल्ट उठाकर देखिए, कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं। बिहार का रिजल्ट उठा के देखिए, कर्नाटका जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं उसका रिजल्ट उठा करके देखिए, कितने परसेंट वोट मिलते हैं, और राज्य के सरकारों के चुनाव के समय कितने परसेंट वोट मिलते हैं। एक वोट उन लोगों ने नहीं दिया था। हम लोगों ने जब इस देश की आदिवासी महिला को, इस देश के सर्वोच्च स्थान को प्रस्थापित करने का प्रयास किया, एक वोट पूछिए तो आरजेडी के लोगों ने दिया था क्या, या नीतीश कुमार जी की पार्टी के लोगों ने दिया था क्या? किसी ने नहीं दिया। हमने वो सम्मान दिया है और हम आगे भी सम्मान देने वाले हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।